नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आप इस तस्वीर को देख रहे हो ना, ये तस्वीर है सुरेश राजपूत की। अपने आप को हिंदू शेर बॉय कहते हैं। और इनकी आदत जो आपको पता है ना, इनकी आदत है हमेशा मुसलमानों को टारगेट करना। हमेशा धार्मिक अनुवादों पर बात करते हैं। हमेशा लोगों के पास फोन करके वीडियो बनाने का इनका काम है। दूसरा इनका कोई पेशा नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये हैं पंडित विजय योगी, बाल योगी जिन्हें हम कहते हैं। इनके पास भी इन्होंने फोन किया। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये विनय दुबे भाई हैं। इनके पास भी इन्होंने इनकी भी वीडियो बनाई थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये हैं मोहित शर्मा भाई। इनके पास भी इन्होंने फोन किया था। लेकिन इनकी आदत क्या है आपको पता है? इनकी आदत है कि ये फोन करेंगे और फोन खुद कट कर देंगे और बताएंगे कि लोग फोन काट रहे हैं, लोग हमसे भयभीत हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले विजय शर्मा को देखिए। विजय शर्मा के पास इन्होंने फोन किया और बोला कि मैं साहिल खान बोल रहा हूं मुजफ्फरनगर से। विजय शर्मा से इन्होंने बातचीत की। इन्होंने मेरे पास आधी रात को फोन किया और बोला कि मैं साहिल खान मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, मेरी पंचर में जो पंचर बनाने का सामान होता है ना, उसकी मेरी कंपनी है जिसमें 45 वर्कर काम करते हैं, मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद में आप पहले इस आइडियो को सुनिए। हेलो जी, कौन? हेलो हेलो अनुराग ओझा भाई, सलाम। जी जी प्रणाम। कौन? और भाई, मैं साहिल खान बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी बताइए भैया जी, आपसे ना कुछ दो मिनट का समय चाहिए, बात करनी है आपसे। ठीक है, आप सुबह 10 बजे के बाद भाई कॉल करिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया जी आपका ये हो कि आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। और भैया जी, मैं ना आपके आर्थिक स्थिति को देख कर आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपने जो पेटीएम नंबर दे रखा है जी, तो क्या वही है उसका आपका ये पेटीएम नंबर? जी जी, ये क्या करते हैं आप? जी भैया जी, हमारा एक छोटी सी छोटा का जो है ना फैक्ट्री लगा हुआ है किस चीज का? भैया जी, हमारा जो थोड़ा सा वो लगा हुआ है ना, वो थोड़ा मतलब उसका है, एक अलग बिजनेस है अपना जी। तो भैया जी, आप ना जो काम कर रहे हैं ना आज के लिए जी जी, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके इंटरव्यू वगैरह में लगातार देखता रहता हूँ। मेरे कंपनी के भाई लोग भी आपके वीडियो देखते हैं और सुपरवाइजर जो है आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। जी धन्यवाद आपका। तो जी, आपके बात थोड़ा कट रहा है, थोड़ा वो। हेलो जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? तो भैया जी, बताना चाहूँगा की मतलब हमारा एक कंपनी है और ये कंपनी जो है नोएडा से दफ्तर में है जी जी, और कभी विजिट करिएगा हमारी कभी आइएगा जी, ये कभी आइएगा और विजिट करिएगा कभी आपका बेलफम है जी जी जरूर। तो भैया जी, मैं आपसे एक सवाल बस करना चाहूँगा। जी जी बताइए। हम सर आपको ऐसी क्या खूबी लगती है जो आप इतना मतलब अच्छी बात करते हैं मुसलमानों के लिए? देखिए भाई, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम तो देश के लिए बोल रहे हैं जी। भैया जी, हम देश के लिए बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। भैया जी, वो बात आपसे फिर का, आप ना जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और
भैया जी, अगर आपको किसी भी तरीके से हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप बताइएगा जरूर एक बार, और ये नंबर भी कभी सेव कर लीजिएगा। जी, ठीक है, सपोर्ट करिए, जो आपने कहा आर्थिक सपोर्ट करते रहिए आप लोग। नहीं भैया जी, मैं तो आपको सीधा बता के, और आपका अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है क्या भैया जी? सब नंबर इसी पे है, व्हाट्सएप नंबर, पेटीएम नंबर, सब कुछ है ये। मैं ना आपको स्क्रीन शॉट जरूर दूंगा, और मैं अभी आपको पर दे रहा हूँ, जो मेरे से हमारी कंपनी की तरफ से छोटा सा जो भी आपके लिए होगा वो बिल्कुल हम पर दे रहे हैं आपको। ओके सर, अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम लिख के एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना, ताकि आपका नंबर सेव कर सकूँ मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको अपना कंपनी का नाम जरूर देंगे भाई साहब, और हमारा जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहोगे भैया जी? जी, भैया जी, जो ये हमारा ये जो टायर का पंचर का वो होता है ना, पंचर लगाने का, तो ये जो पंचर जो होता है भैया जी, तो ये पंचर का बारे में वो छोटे छोटे गोल गोल से वो पंचर लगते हैं ना बाइक में, स्कूटी में, सुले साइकिल। सुलेशन टाइप का जो होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े। तो भैया जी, वो ही सब मतलब ऐसा मतलब काम है अपना। और भैया जी, आपको भी आई है ना? भैया जी जी, मैं ये कह रहा, हमारी जो कंपनी में हमने कुछ लोगों को रोजगार दे रखा है, देखो जितनी हमसे अल्लाह ने करवा रखी है मेहरबानी, उतनी ही हम कर रहे हैं भैया जी। हम जो है अरे उसमें मतलब कर रहे हैं 40-45 लोग काम करते हैं भैया जी। 45 लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिसमें हमने लोगों के जो सैलरी की के हिसाब से उनके काम के हिसाब से फिक्स रखते हैं भैया जी। जी, दुआ करते हैं आप कि अगली बार आप जब हमारे पास फोन करें तो आपके पास 90 लोग काम करते रहें। भैया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपका बाप हिंदी शेर बॉय बोल रहा हूँ, सुरेश राजपूत। अगर आपको पंचर लगाना है तो आइए ना, जी तेरा बाप हिंदू शेरवा सुरेश राजपूत। अगर हाँ, तो बोलो। ठीक अगर पंचर की दुकान खुलवाऊं तेरी, आ जा। अच्छा है, ठीक है। ये बता, हेलो, ये जी बता तू यार, मतलब इतनी तारीफ क्यों करता है इन लोगों की? अगर तू देशभक्त मैं हो गया है, तू भाई हिंदू है, मैं देश की बात करता हूँ, ठीक है। मतलब एक बात बता, अनुराग हो जा, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है, तेरे से एक मुझे शिकायत है मुझे 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 भाई आपसे ये मुझे कुछ सिर्फ इतना सा बता दे कि जो तू कहता है कि भाई मुसलमान 5 वक्त की नमाज करते हैं, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि तू भी देशभक्त नहीं है? नहीं, देखो मेरे हिसाब से भाई सब लोग देशभक्त हैं, लेकिन उंगली उठाने वाली सरकार को मैं बोलता हूँ भाई। नहीं, सरकार को कुछ भी बोल, वो अलग मैटर है, लेकिन तू हाँ, सनातनियों को नहीं, करता है यार, मैं भाई सनातनी हूँ, मैं सनातनियों को कभी कुछ नहीं बोलता। मैं सुनो सुनो, करता है, बावजूद भी तू इस तरीके की हरकत करता है, सनातनी को गलत नहीं, बोलता है, क्यों? मुझे भाई सुनो, मैं बताता हूँ आपको, आप पहले इत्मीनान से सुनिए। मैं आपने पूरी ऑडियो सुनी, फिर ये कहता है कि हम हिंदू शेर बॉय सुरेश राजपूत बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई बोलिए, हम जानते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इस बंदे ने बात की, और बात में फोन मुसलमान 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 राष्ट्रभक्त कैसे, उनकी राष्ट्रभक्ति पर देशभक्ति पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस वीडियो को एक कटपिट करके चलाता है। जो बंदा हम बोलेंगे वो आपको नहीं सुनाएगा, जो ये बोलेगा वही आपको सुनाएगा। मैंने दो क्लिप, दो इनकी 25-25 मिनट की ऑडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिए। मैंने इनको खुला चैलेंज भी किया था कि इंस्टाग्राम पर आके हमसे लाइव जुड़िए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये लाइव में आकर जुड़ें। और मैं फिर कहता हूँ कि मुसलमानों के नाम की रोटी खाने वाले सुरेश राजपूत, ये गलत है। अपनी पहचान छिपा कर किसी से बात करना, ये भी गलत है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।